आज से हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो हमारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। तो हम लोग आज से लेके कुछ 18-19 दिन तक इस टॉपिक के ऊपर कंप्लीट एक सीरीज़ निकालेंगे और इस टॉपिक के बारे में एकदम अच्छे से डीप कंसेप्ट में पढ़ेंगे जाके, जिसका काम हमें जेई और जैम तक आएगा। तो आइए, लेट्स वी कैन स्टार्ट अवर टॉपिक। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास लिखा हुआ टॉपिक का नाम। तो सबसे पहले हमें इस टॉपिक के नाम को समझना है। टॉपिक का नाम क्या हमारे? सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए, हमारा जो वर्ड आया सेंटर, फिर आया मास, तो इसे हमको क्या मालूम पड़ता है? मास का सेंटर मीन्स मास के सेंटर के बारे में हमको पढ़ना है। कुछ तो मेन चीज़ होगा मास के सेंटर के अंदर, जिसके बारे में हमको ये पढ़ने के लिए बोल रहा है ना। तो चलिए देखते हैं कि मस मीन्स सेंटर ऑफ मास यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, उसका इम्पोर्टेंट रोल क्या है फिजिक्स के अंदर। बहुत इम्पोर्टेंट रोल है वो, अभी हम देखेंगे। कि जैसे कि अगर मैंने आपको एक बॉल दी, आप बोलूँगा आप उसको आगे की तरफ फेंको, तो बॉल तो मेरा फर्स्ट है कि स्पिन होगा और वो आगे बढ़ेगा किसी वेलोसिटी वी के साथ। अब मेरे बॉल के ऊपर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, क्या एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं मेरे बॉल के ऊपर। अब अगर मैं बोलूं कि आपको हर एक बॉल के जो पार्टिकल्स उसके ऊपर उसका पाथ निकालिए, तो उसका पाथ कुछ ऐसा ऐसा आएगा ना, मीन्स हर एक पार्टिकल का पाथ डिफरेंट होगा। आगे जाए वो जाएगा आगे, लेकिन उसका पाथ कैसा होगा? ऐसा रिंग के फॉर्म में होगा और डिफरेंट होगा। बट उसके बॉडी में एक पार्टिकल ऐसा भी होता है जिसका पाथ कभी चेंज नहीं होता। उसके सेंटर का पूरे मोशन में उसका सेंटर ऑफ मास एक ही डायरेक्शन में रहता है। पूरे मोशन में उसका सेंटर ऑफ मास एक ही डायरेक्शन में रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा पार्टिकल कितना भी पाथ कर ले, मीन्स जिसके आसपास जो भी पार्टिकल होंगे, लेकिन मेरे सेंटर ऑफ मास का जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज सीधा रहेगा, कौन सा भी हो। मीन्स सेंटर ऑफ मास का जो डायरेक्शन है वो एक ही पाथ फॉलो करेगा। जैसे कि अगर मेरा बॉल यहाँ पे और मैंने अगर उसको ऊपर की तरफ फेंका, तो पार्टिकल उसका भले बॉल घूमे, लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास कैसा होगा? एक ही डायरेक्शन में होगा ना। मीन्स एकदम मीन्स एक सिंगल लाइन होगी उसके पास। सिंपल सी बात कि हर सेंटर ऑफ मास के पास ड्यूरिंग द मोशन एक सिंगल लाइन होती है, आपको डायरेक्शन कैसा भी होगा उसका, बट एक सिंप्लीफाइड डायरेक्शन होगा उसका, जिसको कि हम लोग समझ सकते हैं। अब सेंटर ऑफ मास की अगर बात निकली है, तो आप सबने न्यूटन सेकेंड लॉ का एक फार्मूला पढ़ा होगा, एफ़ इज इक्वल्स टू एम ए ना। अब ये जो ए होता है वो हमारा होता है मास इंटू एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि हम लोग जो एक्सलरेशन लिखते हैं वो पूरी बॉडी का नहीं लिखते, सेंटर ऑफ मास का एक्सलरेशन लिखते हैं हम लोग। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास ये एक ब्लॉक है और मैंने इसके ऊपर कुछ फोर्स एफ लगाया, अब जो फोर्स एफ लगाया तो मेरा बॉडी पार्टिकल क्या होगा? उसके अंदर कुछ एक्सलरेशन आएगा, इसका मास एम ए, वो आगे बढ़ेगा किसी एक्सलरेशन से। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरा पूरा बॉडी आगे बढ़े या सिर्फ उसका सेंटर ऑफ मास आगे बढ़े, बात तो एक ही है ना। अगर मेरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ रहा है, मतलब मेरी पूरी बॉडी आगे बढ़ रही है, तो मतलब जो यहाँ पे मेरा फोर्स के साथ मास इंटू एक्सलरेशन आएगा वो क्या होगा? सेंटर ऑफ मास का एक्सलरेशन होगा। ऑलवेज रिमेंबर कि हम लोग जो सेंटर ऑफ मास लिखते हैं सेकेंड न्यूटन के सेकेंड लॉ में, वो सेंटर ऑफ मास का लिखते हैं। सेम यही केस आता है हमारे मोमेंटम के अंदर। अगर इसका वेलोसिटी वी हो, तो हम लोग जो वेलोसिटी होगा वो सेंटर ऑफ मास का लेंगे, तो पी इज इक्वल्स टू मास इंटू वी सी ओ एम। ये हमारा क्या बन जाएगा? मोमेंटम, जो कि सेंटर ऑफ मास से निकाला है हमने, मीन्स उसका जो वेलोसिटी वो भी सेंटर ऑफ मास का ही वेलोसिटी होता है उस मास के। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ओके, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। ओके, अब सेंटर ऑफ मास की हम लोग बात कर ली कि वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। वो हम लोग को किसी भी पाथ का डायरेक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन और उसके पाथ को स्टडी करने के लिए बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ओके, अब हम लोग उसको निकालना सीखेंगे सेंटर ऑफ मास को। जैसे कि मैंने आपको दो मास दिए, एक एम
और एक एम। अब आपको फील करना है अभी सेंटर ऑफ मास को। अगर आप फिजिक्स को फील कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिजिक्स को फील किया मतलब सब कुछ कर लिया फिजिक्स के अंदर। ओके, अब इसके बीच का मैंने आपको डिस्टेंस दे के रखा है डी। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है, दोनों तरफ मास सेम है तो जाहिर सी बात है सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, सेंटर में आएगा। और हाँ, सेंटर ऑफ मास का एक डेफिनेशन और होता है कि पूरे बॉडी का जो मास है उस पॉइंट पे कंसंट्रेट होगा। पूरे बॉडी का जो मास है वो उस पॉइंट पे क्या होगा, कंसंट्रेट होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास, किसी भी मास का सेंटर। अब इसका जो सेंटर है मीन इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में ही आएगा तो इससे डिस्टेंस क्या बन जाएगा, डी बाई टू, डी बाई टू आधा आधा अगर मास सेम है। अगर मेरे पास मास डिफरेंट है, यहाँ पे एम है और यहाँ पे टू एम है, और अगर मैंने आपको बोला कि अब बताओ इनके बीच में सेंटर ऑफ मास कितना होगा, डिस्टेंस डी है, बट अब यहाँ पे कंफ्यूज होगा। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि इस साइड मास क्या है ज़्यादा है तो सेंटर ऑफ मास मेरा क्या होगा, थोड़ा इस साइड शिफ्ट होगा ना, सेंटर ऑफ मास मेरा क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा वाले मास के साइड में शिफ्ट होगा। क्योंकि वो ज़्यादा मास है तो सेंटर ऑफ मास को अपनी तरफ क्या क्या कर लेगा, वो खींच लेगा सिंपली एकदम, समझे। तो जब मास सेम हो तो सेंटर ऑफ मास सेंटर में, अगर मास डिफरेंट हो तो सेंटर ऑफ मास किसके साइड होगा, ज़्यादा वाले मास की तरफ होगा। तो चलिए अब हम इसका फॉर्मूला निकाल के देखते हैं सेंटर ऑफ मास का, कि किस फॉर्मूले से हम लोग सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस मेरी। मैंने यहाँ पे एक मास एम वन लिया, यहाँ पे एक मास एम टू लिया, और मैंने क्या किया, ओरिजिन से एक डिस्टेंस लिया दोनों मास के लिए। इसको आर वन नाम दिया, इसको आर टू नाम दिया, और जो इनके बीच का सेंटर है उसको क्या नाम दिया मैंने, आर सी ओ एम। और ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो ओरिजिन मेरा 0.0। सेंटर ऑफ मास में आप एक चीज़ याद रखना, सेंटर ऑफ मास जब भी निकाले आपके पास एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, ओरिजिन, और कुछ हो या ना हो ओरिजिन आपके पास होना चाहिए ताकि आप सेंटर ऑफ मास अच्छे से निकाल सकें। ओके, इतना हमको मिल गया। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है आर सी ओ एम इज इक्वल्स टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू अपॉन एम वन प्लस एम टू निकला। अब ये तो मेरा क्या है, सिर्फ आर के लिए। अब मान लीजिए कि अगर मेरा मास एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है, वाई एक्सिस पर रखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर मैंने यहाँ पे लिया और मैंने बोल दिया जो मेरा मास एम वन यहाँ पे, एम टू यहाँ पे, कोऑर्डिनेट दे दिए मैंने ये दो पे, ये चार के ऊपर, उनके बीच का डिस्टेंस एक का, मैं बोलूँगा इसके बीच का सेंटर ऑफ मास निकालो। तो ये किस एक्सिस पे मेरा, एक्स एक्सिस पे, तो इसे हर एक्सिस का अपना अलग अलग सेंटर ऑफ मास होगा। तो एक्स एक्सिस के लिए क्या बन जाएगा, एक्स सी ओ एम क्या आ जाएगा, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। सेम वाई सी ओ एम के लिए एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। अब आर की जगह किसने ले ली, एक्स और वाई ने। सेम जेड सी ओ एम के लिए एम वन जेड वन प्लस एम टू जेड टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। ओके, इतना आप सबको समझा, वीडियो को पॉज मारिए और इतना लिख के लीजिए मेरे साथ में, लिखते आप सब भी लिखते रहिए ताकि आपके नोट्स क्या हों, प्रिपेयर होते रहें। ओके, अभी हमने देख लिया कि सेंटर ऑफ मास को निकाला कैसे जाता है, अब थोड़ा इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। मीन्स हमको फार्मूला तो मिल गया, अब उसको यूज़ कैसे करना है वो हमको देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर वन मेरा, मैंने क्या माना कि ओरिजिन होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं जो अभी क्वेश्चन लूँगा वो एक्सिस के ऊपर लूँगा। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मास एम लिया, यहाँ पे एक मास टू एम लिया, और कोऑर्डिनेट दे दिया मैंने 1.0 और 4.0। अब आपको निकालना है इसका सेंटर ऑफ मास।
अब हमने सेंटर ऑफ मास के तीन फार्मूले दिखे, एक्स वाई और जेड में। अब ये तो मेरा एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब जो मेरा वाई सी ओ एम होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। मेरा जेड सी ओ एम भी ज़ीरो होगा क्योंकि इन एक्सिस पे मेरे मास नहीं रखे हुए। तो मेरा फार्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर, एक्स सी ओ एम इज इक्वल्स टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। ये मेरा फार्मूला बन गया। अब मेरा जो पहला मास कितना है, मेरा एम है, और एक्स वन मेरा जो पहला कोऑर्डिनेट है एक्स वन वो कितना है, वन। फिर दूसरा मेरा जो सेकंड मास है वो कितना है, टू एम है, और दूसरा कोऑर्डिनेट कितना है मेरा, फोर डिवाइडेड बाय एम प्लस टू एम। मेरे दो मासेस दिए हुए, ये बन जाएगा एम, ये बन जाएगा एट एम, ये बन जाएगा थ्री एम। ओके, ये आ गया मेरा नाइन एम डिवाइडेड बाय थ्री एम। एम से एम कैंसिल, थ्री थ्री से नाइन थ्री, मीन्स एक्स सी ओ एम मेरा क्या आ गया, थ्री। मीन्स मेरा जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो ये वन टू और ये थ्री, मीन्स थ्री कॉमा ज़ीरो पे आएगा मेरा सेंटर ऑफ मास। समझा आप सबको? आप सब भी मेरे साथ लिखते रहिए ताकि आपका जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर टू, अब हमने क्या किया, वहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स दे के रखे थे। अब जस्ट अस्यूम कि अगर कोऑर्डिनेट्स आपको ना दिए जाए तब कैसे करेंगे आप सवाल। एक मास एम दिया हुआ है और एक मास थ्री एम दिया हुआ है। ओके, अब इनके बीच में मैंने बोल दिया कि आपके पास सिर्फ डिस्टेंस डी है, इनके बीच का डिस्टेंस डी है, और आपको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। सेंटर ऑफ मास निकालना है इसका आपको, तो कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, ओरिजिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना ओरिजिन के किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकालना इज़ नथिंग टू इम्पॉसिबल। ओके, तो अब हमने क्या किया, हमारा जो मास m है और ये मास 3m है, हमने क्या किया, यहाँ पे एक ओरिजिन अज्यूम कर लिया। पहले मास के ऊपर एक एक्सिस माना और वहाँ पे क्या किया, एक ओरिजिन अज्यूम कर लिया। ओरिजिन अज्यूम करने से हमारा फ़ायदा क्या हुआ, इसके बीच का डिस्टेंस तो d हमको दिया हुआ है ना, ये मेरा क्या बन जाएगा, 0, 0, और ये डिस्टेंस d की दूरी पे तो d, 0। ओके, अब हमको कोऑर्डिनेट्स मिल गए, मास पता है, अब हम फार्मूला में पुट करके अपना सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं आसानी से। अब मेरा क्या होगा, एक्स एम एक्स एक्सिस पे ना इज इक्वल्स टू क्या फार्मूला, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। आप चिंता मत करिए, आपको इस लेक्चर की सीरीज़ में सेंटर ऑफ मास का एकदम ज़ीरो टू हायर लेवल तक लेके जाएंगे हम लोग, मीन्स एकदम बेसिक से उठाकर। ओके, तो एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। एम वन कितना है मेरा, एम, एक्स वन कितना है मेरा, ज़ीरो, प्लस एम टू कितना है मेरा, थ्री एम, एक्स टू कितना है मेरा, डी डिवाइडेड बाय एम वन मेरा एम और एम टू थ्री एम। तो ये ज़ीरो, ये मेरा क्या बन जाएगा, थ्री एम इंटू डी डिवाइडेड बाय फोर एम, एम से एम कैंसिल, इज इक्वल्स टू थ्री बाय फोर डी। ये मेरा क्या आ गया, सेंटर ऑफ मास आ गया, थ्री बाय फोर इंटू डी, मीन्स 0.75 के आसपास कुछ। मीन्स मेरा जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ से इतना दूर होगा, कितना, थ्री डी बाय फोर पॉइंट सेवन फाइव, ना मतलब लगभग 75% इस डिस्टेंस का। ओके, चलो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। हम लोग थोड़ा और अच्छे क्वेश्चंस पे जाते हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। वीडियो को पॉज करके आप सब लिखते रहिए ताकि आप सब के भी नोट्स मेरे साथ ही तैयार होते रहे। ओके, अब हमारे क्वेश्चन नंबर थ्री में हमने क्या किया, चार मास लिए, एम टू एम थ्री एम फोर एम। हमने क्या किया, चार मास लिया एक स्क्वायर शेप के अंदर, मीन्स एक स्क्वायर के फोर कॉर्नर्स के ऊपर चार मास रखा हम लोगों ने, एम टू एम थ्री एम फोर एम। अब ईच साइड हमको क्या दी गई है,
ए दी गई है, हर एक साइड की वैल्यू, हर एक साइड मतलब हर एक मास एक दूसरे से कितना दूर है, ये डिस्टेंस पे दूर है। तो हमें इसका क्या क्या करना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब हम लोग देख सकते कि हमारा प्लेन में है ये, मीन्स स्क्वायर क्या होता है, प्लेन होता है ना, तो ये तो मेरा एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस में भी है। जब मेरा ये एक्स और वाई एक्सिस दोनों में है तो मुझे एक्स यू एम और वाई सी यू एम दोनों निकालना पड़ेगा, मीन्स मेरे को एक्स यू एम और वाई सी यू एम दोनों निकालना पड़ेगा, तब जाके मेरे को इसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे सेंटर ऑफ मास के ना। अब तो हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पे पहले ओरिजिन चाहिए, कॉमन सी बात है, हमको सबसे पहले क्या चाहिए, ओरिजिन चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर क्या किया, ओरिजिन मान लिया इस 3m के ऊपर, और ओरिजिन आप वैसे कहीं भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप यहीं पर माने ओरिजिन। वेट मिनट, हाँ आप ओरिजिन कहीं भी मान सकते हैं, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था। तो अगर मैं एक्स सी ओ एम निकालूँ, ओके, तो यहाँ पे मेरा चार मास है, तो मेरा जो एम वन एक्स वन है वो फोर तक जाएगा, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री प्लस एम फोर एक्स फोर डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर। मैं अभी फार्मूला लिख रहा हूँ लेकिन आगे के क्वेश्चन में मैं फार्मूला नहीं लिखने वाला, मैं डायरेक्ट सॉल्व करने वाला हूँ, तो आपको समझ कर लेना है। तो यहाँ पे जो मेरा, हाँ मेन चीज़ हमें पहले यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो ये तो मेरा ओरिजिन है, ये बन जाएगा मेरा 0,0, ये इससे ए डिस्टेंस की दूरी पे है एक्स एक्सिस पे, तो ये 1,0। अब ये जो है ये एक्स में भी ए है और वाई में भी ए है, तो ये 1,a, और ये जो है ये भी ओरिजिन पर लाई कर रहा है लेकिन वाई एक्सिस में क्या है, ए डिस्टेंस पे, तो 0,e। ओके चलिए, तो हम लोग पुट करके देखते हैं, मेरा जो पहला मास है 3m, जहाँ से हमने ओरिजिन माना है, 3m इंटू एक्स वन मेरा क्या है 0, प्लस m2 क्या है मेरा 4m, x2 कितना है मेरा a, प्लस m3 जो मेरा m है, x3 मेरा जो x कोऑर्डिनेट है उसका a है, प्लस m4 मेरा 2m है और उसका x कोऑर्डिनेट 0 है। ओके अब यहाँ पे क्या करना है, चारों मास को सम कर देना है, तो 4, 3, 7, 2, 8, 1, 9, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, ओके 10m। ओके तो ये तो मेरा 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4m है और ये m है, तो ऊपर कितना मिल जाएगा मेरे को 5m है डिवाइडेड बाय 10m, तो m से m कैंसिल, 5, 2 से 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा a बाय 2, मीन्स मेरे को जो एक्स यू एम है वो कितना मिल गया a बाय 2, मीन्स वो एक्स यू एम जो मेरा एक्स एक्सिस पे होगा वो कितना होगा a बाय 2 पे होगा। अब एक्स एक्सिस का तो मिल गया हमको सेंटर ऑफ मास, अब देखना ये वाई एक्सिस में कितना है, मीन्स ऊपर की तरफ कितना है ये, तो हम लोग यहीं साइड में निपटा देते इसको भी, आप तो समझ ही गए होंगे स्कॉलर बच्चे हो आप सब। ओके तो फॉर्मूला क्या रहेगा मेरा, एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू प्लस एम थ्री वाई थ्री प्लस एम फोर वाई फोर डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर। आप सबको समझे इसलिए फार्मूला लिख रहा हूँ मैं अभी, नहीं तो मैं आगे के क्वेश्चन से फार्मूला नहीं लिखने वाला, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्विंग, समझ जाएगा आप सबको, स्कॉलर हो आप सब। ओके तो एम वन कितना मेरा 3m, y1 कितना मेरा यहाँ पे 0, m2 कितना है 4m, इसका भी y कोऑर्डिनेट 0, m3 कितना है मेरा m, इसका y कोऑर्डिनेट a, प्लस m4 कितना है 2m, इसका y कोऑर्डिनेट a। ओके नीचे 10m, सारे मासेस का सम। अब ये और ये टर्म तो 0 बन गया, बचा क्या ये दोनों टर्म, तो m है और 2m है, कितना 3m है डिवाइडेड बाई 10m, तो एम एम कैंसल, मेरा क्या बन जाएगा 3/10a, मीन्स कुछ y एक्सिस में ये यहाँ पर आएगा 3/10a, मीन्स 0.3 के आसपास, जो ज़्यादा ऊपर नहीं होगा
इधर ही किधर होगा। तो आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि मेरे को जो कोऑर्डिनेट मिला है वो क्या मिला है, ए बाय टू और थ्री बाय टेन ए मिला है ना। तो किसके साइड ज़्यादा है, वो एम और फोर एम और थ्री एम के साइड में ज़्यादा झुका हुआ है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर हम लोग इसको एक बीच के प्लेन से काटें, बीच के प्लेन से काटें, तो ऊपर टोटल मास कितना है मेरा 3m और नीचे टोटल मास कितना है 7m। तो किस साइड मास ज़्यादा है, नीचे की साइड। तो 7m की तरफ क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का झुकाव होगा ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि सेंटर की ज़्यादा मास जिस साइड है, सेंटर ऑफ मास भी उसी उसी साइड है मेरा। समझ गया आपको? ओके चलिए, अब हम लोग एक अच्छा सा अगला क्वेश्चन देखते हैं जो मज़ेदार है। हमारा क्वेश्चन नंबर फोर, पिंक मेरा फेवरेट कलर है बच्चा लोग, दिख रहा है आप स्क्रीन के अंदर? ओके देखो, अब हमने क्या किया है, ट्रायंगुलर लेमिना लिया, एक ट्रायंगुलर लेमिना लिया मास एम का। अभी सेम मास का लेते हैं, फिर डिफरेंट मास का भी लेंगे। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और हर एक मास के बीच में डिस्टेंस कितना है, ए पे है। तो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो अभी इसका हम लोग को सेंटर ऑफ मास निकालना है। अभी इसका सेंटर ऑफ मास जब हम निकालेंगे तो एक एक्सिस हम लोग को अज्यूम करनी पड़ेगी ना। तो एक्सिस अज्यूम करने के बाद अब इसका जो सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे, वो तो दोनों साइड सेम मास है, यहाँ और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ आएगा, सेंटर पे आएगा। तो हमको एक्स यू एम तो मिल गया अपना, कितना ए बाय टू मिल गया हमको। हमको क्या निकालना है, सिर्फ वाई सी ओ एम निकालना है। तो हम लोग को पहले वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, हमको पहले क्या चाहिए अपना वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा हमको, इसका एक कोऑर्डिनेट तो ए बाय टू आ गया क्योंकि ये एक्स एक्सिस से ए बाय टू डिस्टेंस पे है इस साइड से। तो वाई एक्सिस से कितना ऊपर है ये, तो आप देख सकते हैं कि ये 60 डिग्री होता है। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब हाफ किया तो ये कितना बन जाएगा, 30 डिग्री, और ये 90 डिग्री। तो आप सबने अगर 30 डिग्री 30 60 90 का थ्योरम पढ़ा होगा, 30 60 90 का थ्योरम पढ़ा होगा, तो वो क्या होता है, अपोजिट साइड कितना होता है, वो रूट 3/2 इंटू ईच साइड। तो ये जो मेरा 60 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है वो कितना ऊँचा होगा, रूट 3/2 इंटू ए। आप इसको चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, ये साइड आपको मालूम करनी है, या आपका ए बाय टू या आपका ए बाय टू, इन दोनों को सॉल्व करें आपको इस साइड की हाइट मिल जाएगी कि कितना ऊपर है एक्स एक्सिस से। ऐसे निकालिए 30 60 90 डिग्री के थ्योरम से निकालिए आप, दोनों से आपको क्या होगा, आसानी पड़ेगी। ओके तो हम लोग क्या, एक्स सी एम तो मिल गया हमको, अब सिर्फ क्या निकालना है, वाई सी एम निकालने की, वाई सी एम में कितना ऊपर है। तो वाइस, हाँ अभी मेन बात है कोऑर्डिनेट्स, ये तो हमारा ओरिजिन है, 0.0 होगा। ये तो हमारा 0 होगा, तो 0 हो गया। तो आप सब जरा फार्मूला लिखते रहिए। ओके देखिए वाई सी यू एम, आप सब भी साथ में लिखिए फार्मूला, आपको भी समझेगा। तो एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू प्लस एम थ्री वाई थ्री प्लस, ओके थ्री तीन मास ही है, तो एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। ओके तो एम वन कितना मेरा एम, वाई वन कितना है इसका कोऑर्डिनेट 0, एम टू कितना एम, वाई टू कितना है इसका, इसका कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएगा, ए कॉम ज़ीरो, ए ज़ीरो ज़ीरो। एम थ्री, एम थ्री पी एम है और इसका वाई कोऑर्डिनेट रूट 3/2 इंटू ए। ओके अब ये दोनों टर्म तो मेरे 0 बन गए, और एम 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 तीनों को जोड़ दूंगा तो 3m, तो ये मेरा क्या आ गया, रूट 3m/2 इंटू ए डिवाइडेड बाय 3m। एम से एम कैंसिल, इक्वल्स टू रूट 3a डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। अब इसको अगर और सॉल्व करने जाओ तो रूट 3 इंटू ए, टू मैं 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 भी लिख सकता हूँ, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, ए बाय 2√3 मीन्स कहीं यहाँ पर आएगा वो इसका वाई कोऑर्डिनेट, मीन्स ये यहाँ से कितना ऊंचा है,
ए बाय टू रूट थ्री ऊंचा, मीन्स मेरे को जिसको कोऑर्डिनेट्स मिले वो क्या मिल गया मेरे को, ए बाय टू मिले सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स और ए बाय टू रूट थ्री। अब यहाँ पे भी अगर हम लोग इसको प्लेन में काटे तो देख सकते हैं कि तो दोनों साइड में मास किस साइड ज़्यादा है, यहाँ पे एम एम, यहाँ पे टू एम और ऊपर सिंगल एम, तो हम लोग को समझ में आएगा कि जो सेंटर ऑफ मास का झुकाव होगा वो कहाँ होगा, ज़्यादा वाले मास की तरफ होगा। तो आज हमने क्या हुआ, कितने क्वेश्चन देखे, चार क्वेश्चन देखे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। ओके, अगर आपको जो भी अच्छा लगा या ख़राब लगा कमेंट्स में बताइए।